राजस्थान के किसानों के मसीहा चौधरी कुंभाराम जी आर्य की प्रतिमा का अनावरण चूरू जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट और रेलवे स्टेशन के बीचों बीच आज 26 अक्टूबर को चौधरी कुंभाराम जी की 29वीं पुण्य स्मृति पर हुआ है। नगर परिषद चूरू और चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में अभी हम मूर्ति स्थल पर हैं और ये चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन की टीम है। हमारे प्रदेश महासचिव गोविंद जी चौधरी हैं, गायत्री जी हैं, सम्माननीय शारदा जी आर्य हैं और चूरू जिलाध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार रामरतन जी सियाग हैं, पायल जी सैनी जो चूरू की नगर परिषद के सभापति है, ये सारी टीम हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं सरदार शहर से। और आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब रहे, राहुल कसवा जी जो सांसद रहे उनका, और आज ये चौधरी साहब की ये प्रतिमा हम सबको जीवन में सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर और किसानों के हित के लिए समर्पित भाव से काम करने का संकल्प देती है। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊं कि चौधरी साहब के इस मूर्ति अनावरण को ऐतिहासिक बनाया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह जी डोटासरा, यहाँ के सांसद राहुल कसवा, तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया जी और कृष्णा पूनिया जी, पूसाराम गोदारा जी, रफीक मंडेलिया जी जैसे कई गणमान्य जन इस कार्यक्रम में आए। पूरा मंच और सामने किसान अन्नदाताओं की शानदार गरिमा में उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है। इस पूरे कार्यक्रम में सभी ने चौधरी साहब के जीवन दर्शन पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है, जिसमें चौधरी साहब जब 1995 में जब इस दुनिया से चले गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, चाहे वो पंचायती राज की स्थापना हो, सहकारिता का आंदोलन बढ़ावा देना हो, राजस्थान के किसान को जमीन का मालिकाना हक बनाना हो, टीनेंस एक्ट वगैरह लागू करना हो, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में किसानों की आवाज़ उठाना हो, सब में वो प्रमुखता से रहे हैं। तो आज की इस ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम की सफलता के जो मुख्य सूत्रधार हैं रामरतन जी सिहाग, तो मैं चाहूँगा कि रामरतन जी सिहाग जिन्होंने अपना क्रांतिकारी संबोधन कार्यक्रम में भी दिया है, लेकिन अब वो इस कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता पर अपना एक विशेष इंटरव्यू हम सबके बीच में साझा कर रहे हैं। आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, सफल रहा, किस तरीके की ऊर्जा और आत्मानुभूति महसूस कर रहे हैं? आज का शानदार प्रोग्राम था, सर्व समाज का प्रोग्राम था। चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए 36 कौम के लोग बड़ी संख्या में आए, किसान आए, हर वर्ग के लोग आए। मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि आज़ादी की 70 वर्ष बाद राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य जिन्होंने सर्वहारा वर्ग वर्ग चेतना के लिए किसानों के लिए किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया और किसान कौम का विकास उनके माध्यम से प्रशस्त हुआ, मैं आज बेहद सुखद पल महसूस कर रहा हूं। और कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के मेरे बड़े भाई गोविंद जी चौधरी सहित पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपका जो मिशन है वो शुरू से प्रारंभ हुआ है और पूरे राजस्थान भर में घूमेगा। आप चौधरी साहब के आदर्शों पर चलने की हमें जो प्रेरणा दी है उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे और दिन दुनी और रात चौगुनी मेहनत करके चौधरी साहब के सिद्धांतों को प्रभावित करेंगे। धन्यवाद। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव गोविंद जी चौधरी से निवेदन करेंगे। गोविंद जी, आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए, आज का जो महान किसान नेता चौधरी कुंभाराम जी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा हुआ और सारे जनप्रतिनिधिगण चूरू जिले के किसान पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, जिस उद्देश्य के लिए स्थापना हुई है वो उद्देश्य पूरा हो गया नहीं है, वो शुरुआत हुई है उसकी। अब उसकी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पायल जी सैनी की कलम चली और राम रतन जी सिहाग कुंभाराम आर्य जिला अध्यक्ष चूरू और नारायण जी बाल्यान सभापति के पति, दो आदमियों की इतनी मेहनत का परिणाम है कि आज इतना बड़ा किसान स्मारक तैयार हो गया और महापुरुष की मूर्ति का अनावरण हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और कुआड़ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच में हनुमान प्रसाद जी बेनीवाल हैं, सरदार शहर से सामाजिक कार्यकर्ता, किसानों की आवाज़ बड़ी बुलंद करते हैं, अच्छे लेखक और चिंतक है। आज कुंभाराम जी की मूर्ति का अनावरण है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, किसान कौम के लिए एक बड़ी सौगात और खुशी है, क्या कहें जी। कुंभाराम जी आर्य हैं जो अपने आप में एक यहाँ जिंदे और किसानों के देवता थे, और देवता होता है वो समाज को
वो चीज़ देके जाता है जो उसको सदियों तक सुरक्षित रखती है, आगे बढ़ाती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो सच्ची श्रद्धांजलि कुमाराम जी को देने के लिए हमें त्याग और बलिदान के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा और कुमाराम जी के चरित्र को, उनके आचरणों को और उनके सिद्धांतों को जीवन में उतार करके और उसी कार्यक्रम जैसा कुमाराम जी किया, कुमाराम जी जो कर रहे थे वैसा का वैसा हमें भी अपने जीवन में करते रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना सिद्धांत के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ सभी किसानी कौम को इकट्ठा करने, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए चलता रहना चाहिए। बिल्कुल, तो किसान कौम को इसी तरीके से संगठित और सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में शारदा आर्य जी हैं। शारदा जी, आज पिताजी की मूर्ति का चोरू की धरती पर उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरे पिताजी के मूर्ति उद्घाटन पे मैं पधारी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी, क्या थोड़ी तबीयत खराब रहती है मेरी, इसलिए बस। लेकिन फिर भी ये उत्साह है, उमंग है। हमारे बीच में श्रीमती छोटू सिंह जी, छोटू जी सियाग है। जो छोटू जी, आज कुमाराम जी की मूर्ति का अनावरण, पूरा परिवार कुमाराम जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कुमाराम जी की प्रतिमा लगी है, हमें बहुत बड़ा मौका मिला है और इन महान आदमी ने हमें छत्तीस कौम के लिए, सभी के लिए साथ दिया और आगे बढ़ाया। हम सब छत्तीस कौम के साथ साथ चलेंगे, हाथ बढ़ा के, तो आगे बढ़ेंगे और हमारा परिवार बढ़ेगा। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया और ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सबके बीच में रहा है। सम्मान्य गायत्री जी, जो फाउंडर हैं चौधरी कुमार हमारे किसान फाउंडेशन की, जी बताएं आज के कार्यक्रम की सफलता। आज का जो सफल कार्यक्रम रहा है उससे बहुत संतुष्टि है। कुंभाराम आर्य जी के आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग आए हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि आज भी वो आत्मा लोगों के बीच में अमर है, जीवित है। इस प्रोग्राम को देखकर ऐसा लगता है कि आज की जो यात्रा है वो शुरुआत है, अब आगे ये कार्य बढ़ता ही रहेगा। मैं आने वाले लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, शारदा आर्य दीदी का, राम रतन जी का, पायल जी सैनी का और आप सबका, इसके साथ साथ इस जो टीम है उनने अगर थोड़ा भी सहयोग जिसने किया है, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। बिल्कुल, और ये आज जो किसान मसीहा चौधरी कुम्भाराम जी आर्य जी की प्रतिमा अनावरण है, उनमें जितने भी गेस्ट आए हैं उनका ये, और ये हमारे विनोद जी गिल हैं जो चौधरी कुम्भाराम हमारे किसान फाउंडेशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। विनोद जी, आज एक बड़ा ऐतिहासिक आयोजन हुआ है, आप भी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने उस किसान पिता के श्रद्धांजलि सभा और मूर्ति अनावरण में भाग लिया और हमारे पूरे प्रोग्राम में आप साथ रहे। आज चूरू जिले की इस पावन धरती पे चौधरी साहब का मूर्ति अनावरण और श्रद्धांजलि सभा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है जो 36 कौम ने सहयोग दिया है। मैं इस जनता को नमन करते हुए हमारे आने वाले सभी नेताओं, सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।